नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल TS के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। वचन को आज हम लोग खूब बढ़िया से एकदम 100% क्लियर करके समझेंगे। वचन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने की विधि, वचन पहचानने की विधि, वचन का संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हर चीज को देखेंगे। यानी कि अगर आज का पूरा वीडियो आपने देख लिया तो वचन आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वचन का परिभाषा देखेंगे। वचन का परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक है या अनेक हो, या जिस शब्द से पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। परिभाषा कैसे बोलेंगे, शब्द के जिस रूप से उसके मतलब उसी शब्द के एक या अनेक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। और इसी आधार पर वचन मुख्यतः हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी और संस्कृत में ये चीजें अलग अलग होती है, लेकिन हिंदी में वचन केवल दो प्रकार के, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब ये एक वचन और बहुवचन क्या है, इसको हम लोग अगले पेज में समझते हैं। लेकिन अगर आपको इस अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। वहां पर ये PDF अभी जस्ट वीडियो के साथ ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसलिए अभी केवल समझने पर ध्यान दीजिएगा। एक बार जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिएगा कि आपको किस चीज में, किस विषय में क्या हेल्प चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक वचन। एक वचन का परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से केवल एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है वह क्या कहलाता है, वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक मतलब एक किताब का पुस्तक, लड़की, लड़की मतलब एक लड़की, चिड़िया, बस आदि, इन सब से केवल एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी का बोध होता है। इसी प्रकार से बहुवचन का परिभाषा कैसे बोलेंगे, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियां, ये कुर्सियां, कुर्सियां का स्पेलिंग थोड़ा सा, जैसे कुर्सियां, कुर्सियां, मालाएं, पक्षी वृंद, पुस्तकें। कुर्सियां का मतलब एक कुर्सी नहीं है, बहुत सारी कुर्सी है। मालाएं का मतलब एक माला नहीं है, बहुत सारी मालाएं। पक्षी वृंद का मतलब एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी हैं। पुस्तकें का मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं। यानी कि इसमें एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, बहुवचन। अगला नेक्स्ट समझते हैं। हम लोगों ने वचन का प्रकार देख लिया, अब हम लोग समझेंगे वचन की पहचान। यानी कि वचन की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं हम लोग। पहला संज्ञा सर्वनाम या शब्दों के द्वारा, दूसरा क्रिया का रूप देख करके हम लोग वचन की पहचान करते हैं। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसे वचन को पहचानेंगे, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं। जैसे उन्होंने मैच जीत लिया, उन्होंने मैच जीत लिया, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, ये बहुत सारे लोगों ने मिल करके मैच जीता, तो ये बहुवचन हो गया। ओजस्व खेल रहा है, ओजस्व खेल रहा का मतलब ओजस्व कोई बच्चा है जो खेला, यानी कि एक वचन हो गया। हम कल खूब खेले, हम लोगों ने कल खूब खेला था, यानी कि ये हम कल खूब खेले थे क्या हो गया, बहुवचन हो गया। हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया, यानी कि ये हम कई लोग हैं, एक से ज्यादा की, बहुवचन हो गया। इस प्रकार से आप संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को देख करके पहचान सकते हो कि यह एक वचन है या बहुवचन है। नेक्स्ट हमारे पास है वचन परिवर्तन के नियम, यानी कि वचन को परिवर्तित कैसे करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है अ के स्थान पे, अ के स्थान पर एन लगाकर, जैसे आंख का आंखें, ये बनाने भी देगा कि आंख का बहुवचन क्या होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आंख का आंखें, बहन का बहने, सूचना का सूचनाएं, रात की रातें, रात का क्या होगा, रातें। अच्छा, दूसरा नियम क्या, आ के स्थान पर ए लगाकर, आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे पंखा पंखे, घोरा घोरे, ठेला ठेले, लड़का लड़के, आ के स्थान पर ए लगा करके भी हम लोग वचन को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर में देखते हैं आ के स्थान पर ए लगाकर, आ के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, ए, यानी बाला की जगह बालाएं, बाला का बहुवचन क्या हो गया, बालाएं, कन्या का बहुवचन कन्याएं,
कथा का बहुवचन कथाएं, हर्ष ई या दीर्घ ई के स्थान पर इया करके इया, तिथि का तिथिया, कापी का कापिया, रोटी का रोटियां, नीति का बहुवचन नीतियां, मक्खी का मक्खियां, इस प्रकार से आप बहुवचन बना सकते हो। अगला हमारा है या के स्थान पर या करके, जैसे चिड़िया का चिड़िया, कुतिया का कुतिया, लुटिया का लुटिया, इस प्रकार से भी हम बहुवचन बना सकते हैं। अगला छ नंबर है हर्ष ओ या दीर्घ ओ के स्थान पर ए करके, बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, वस्तुएं हम लोग कई बार बोलते हैं कि वस्तुएं बिखरी पड़ी हैं, बहु वे हमारी बहुएं हैं, वो श्याम जी की बहुएं हैं, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। गण वृंद जन वर्ग दल आदि लगा करके भी हम लोग बहुवचन बनाते हैं, जैसे छात्र का छात्रगण, ऐसे कक्षा में छात्रगण बैठे हुए हैं, गुरुजन हमारे गुरुजन आ रहे हैं, गुरु का बहुवचन क्या होगा गुरुजन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे गुरुजन आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शिक्षक का शिक्षक वृंद, जैसे शिक्षक वृंद की टोली आ रहे हैं। टिड्डी टिड्डी दल, टिड्डी दल के बारे में हम लोग को कहते हैं कि खेत में टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया है, टिड्डी का बहुवचन क्या हो जाएगा टिड्डी दल, और शिक्षक का शिक्षक वृंद। अगला है नंबर आठ में संबोधन कारक में ओ लगाकर, जैसे बहन का बहनों, भाई का भाइयों, इस प्रकार से भी हम लोग ओ लगा करके बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है वचन बदलने के कुछ अन्य नियम, यानी कि वचन बदलने का कुछ और भी नियम है, जिसमें पहला नियम है अपने से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए, यानी हम अपने से खुद से बड़ों के लिए आदर या सम्मान व्यक्त करने के लिए, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माताजी, माताजी एक वचन हो गया, आराम कर रही हैं लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे हैं लिखा है, इनके माताजी एक वचन है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या बोला कि माताजी आराम कर रही हैं, ये बहुवचन हो गया। ये हम लोग क्या किए हैं सम्मान या आदर व्यक्त करने के, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस तो एक ही है, ये एक वचन हो गया, लेकिन क्या लिखा है सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे, हम लोगों ने थे लिखा बहुवचन रूप, क्यों, क्योंकि ये आदर या सम्मान व्यक्त करने के लिए। अगला हमारे पास है गर्व के लिए, यानी गर्व व्यक्त करने के लिए, प्राउड अभिमान व्यक्त करने के लिए भी हम लोग कभी कभी अधिकार या गर्व के भाव प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन आता है। जैसे अरे समझते क्या हो, ये तो एक वचन हो गया, हम भी, हम मतलब बहुवचन, हम भी किसी से कम नहीं, ये गर्व दिखला रहा है, गर्व दर्शा रहा कि हम भी किसी से कम नहीं, गर्व वाली बात है। यहाँ पर यह भी कह सकता था कि मैं भी किसी से कम नहीं, लेकिन गर्व दिखलाने के लिए ये बोला गया कि हम भी किसी से कम नहीं। क्लियर बात, हमने तुम्हें बार बार समझाया, अब यहाँ पर यह भी लिख सकता था कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो, लेकिन उसके जगह पर हम लोग अधिकार दिखलाने के लिए कहा है कि हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो। नेक्स्ट हमारे पास अगला पुरुषवाचक सर्वनाम, तू क्या है एक वचन है, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू क्या है एक वचन है, परंतु शिष्टता को ध्यान में, शिष्ट ध्यान दीजिएगा, शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा, अगर हम लोग किसी को प्यार से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं बेटा आपके पिताजी का नाम क्या है, यहाँ पर हम लोग तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि शिष्टता दिखलाने के लिए, शिष्टता दिखलाने के लिए क्या चीज, शिष्टता दिखलाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आपके पिताजी का नाम क्या है, ये आपके बहुवचन हो गया। जैसे तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये भी बहुवचन हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास चार नंबर है हस्ताक्षर, ध्यान दीजिएगा हस्ताक्षर ये कुछ एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन भी कह सकते हैं या फिर जनरल शब्द, हस्ताक्षर प्राण दर्शन होश लोग, कौन कौन सा था हस्ताक्षर प्राण दर्शन होश लोग आदि शब्द प्रायः बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, इन सभी शब्द को हम लोग हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे उसके प्राण निकल गए, प्राण उसके, किसी एक व्यक्ति का प्राण निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं उसके प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण को बहुवचन के उपयोग किया जाता है। आपके दर्शन दुर्लभ है, आपके यानी कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, फिर भी क्या बोला गया आपके दर्शन दुर्लभ, आपने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर की चर्चा हो रही, फिर भी हम लोगों ने क्या कहा हस्ताक्षर कर दिए। क्लियर बात, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी संज्ञा शब्दों को, कभी कभी संज्ञा शब्दों के वचन को प्रभाव सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा क्रिया विशेषण पर भी पड़ता है। जैसे सर्वनाम पर भी वचन का प्रभाव पड़ता है। से मेरा बेटा पास हो गया, ये एक वचन है, लेकिन बेटे, अगर बेटा पास हो गया तो मेरा बेटा पास हो गया, लेकिन अगर बेटे पास हो गए ये बहुवचन है, तो मेरा की जगह क्या आ गया, मेरे आ गया। यानी कि ये जो सर्वनाम है मेरा, ये मेरा से क्या बन गया, मेरे बन गया। इस प्रकार से वचन का प्रभाव सर्वनाम पर पड़ा। नेक्स्ट है विशेषण पर, विशेषण पर कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे अच्छा बच्चा आदर करता है, ये तो एक वचन हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, विशेषण है, जो कि बच्चा की विशेषता को बतला रहा, तो ये विशेषण हो गया। अब अगर बच्चे आदर करते हैं आया, तो ये बहुवचन हो गया, तो अच्छा की जगह पर क्या हो गया, अच्छे हो गया, अच्छा की जगह पर अच्छे हो गया। यानी कि जो विशेषण था अच्छा, इसका भी वचन चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। क्लियर बात। अगला हमारे पास है क्रिया पर, क्रिया पर वचन का कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, घोड़ा तेज दौड़ा, ये दौड़ा जो है यही तो है क्रिया हमारा, अगर ये एक वचन है अभी, लेकिन अगर बहुवचन होगा घोड़े, तो घोड़े तेज दौड़े, दौड़ा की जगह हम लोगों ने क्या लगा दिया, दौड़े, यानी कि इसका जो क्रिया है वो भी बहुवचन बन गया है। क्लियर बात। इसी प्रकार क्रिया विशेषण पर कैसे होता है, बच्चा भागता हुआ आया, इसमें भागता कैसे आया, भागता हुआ आया, तो ये क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया की विशेषता बतलाता है। अब इसी में अगर बच्चे हो जाएगा, नहीं बहुवचन हो जाएगा, तो भागता की जगह क्या आ गया, भागते हुए आए। क्लियर बात। इस प्रकार से क्रिया विशेषण पर भी वचन का प्रभाव पड़ता है। अगला हमारे पास है आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सब प्राय बहुवचन में उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से ये सब एक वचन में उपयोग किया जाता है। जैसे पानी, पानी क्या बोलते हैं हम लोग, भर गया है एक वचन में, सदा सत्य बोल लो, सत्य बोल लो, ये भी एक वचन के रूप में हो गया। 7 नंबर, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं, संबंध सूचक जैसे कि जो संबंध बतलाता है, कौन सी संज्ञा, संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है, यानी कि इसका एक वचन बहुवचन नहीं होता, दोनों वचनों में समान रूप से उपयोग में आती है। जैसे नाना, नाना का एक वचन और बहुवचन दोनों नाना ही होता, नानी, चाचा, दादा, मामा, पापा, बाबा, काका आदि, ये सब एक वचन दोनों में उपयोग किया जाता है, दोनों में समान रूप से उपयोग किए जाते हैं। क्लियर बात है। संबंध सूचक संज्ञाएं, आप नाना का नाने नहीं बोल सकते, नाना का नाने बिल्कुल नहीं बोल सकते, पापा का पापे कहीं नहीं सुना होगा आपने अभी तक, चाचा की जगह पर चाचाएं या चाचे नहीं सुने होंगे आपने, ये सब चीज नहीं हो सकती है, और ये सभी चीजें संज्ञा और सॉरी एक वचन बहुवचन दोनों में एक समान होता है। अगला देखते हैं हम लोग। अब ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके लिए, जिसका आंसर भी लास्ट पेज में दिया हुआ है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लोगे, और यहाँ से आंसर भी आप सॉल्व करने के बाद मिला लोगे, और अगर आपसे बिना आंसर देखे इसका जवाब आ जाता है, तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बतलाओगे। अगर आप क्लास टेंथ या 12th के छात्र हो, और किसी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको किस विषय में क्या समस्या है, तकलीफ है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर चैनल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आपकी मदद जरूर से जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक बार फिर से धन्यवाद।